स्वागत है आपका हमारा खास कार्यक्रम बॉलीवुड तड़का। मैं रमजम आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड की एक टॉप स्टोरी। दरअसल बॉलीवुड के परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान ने अपनी पत्नी किरण राव से अलग होने का फैसला कर लिया है। ये दोनों एक दूसरे को डिवोर्स देने जा रहे हैं। इस पर एक जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू किया गया है। उसमें बताया गया है कि ये दोनों काफी दिनों से अलग रह रहे थे और अब अनाउंसमेंट ऑफिशियल तौर पर सबके सामने रख रहे हैं, लेकिन ये अपने बच्चों के लिए हमेशा साथ रहेंगे। आगे इन्होंने क्या कुछ कहा है दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। आमिर खान और किरण राव बी टाउन की सबसे पसंदीदा जोड़ी में से एक थी। आमिर खान ने 2005 में राव से शादी की थी। आमिर खान और किरण राव को लेकर अब नई चौंका देने वाली खबरें सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि शादी के 15 सालों बाद आमिर खान और किरण राव ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया है। हालांकि इस कपल ने खुद इस बात की पुष्टि की है। दरअसल आमिर और किरण ने एक जॉइंट बयान दिया है। उन्होंने इस बयान में कहा है, इन 15 खूबसूरत सालों में हमने एक साथ जीवन भर के अनुभव, आनंद और खुशी साझा की है। हमारा रिश्ता केवल विश्वास, सम्मान और प्यार के साथ आगे बढ़ा। अब हम एक पति पत्नी के तौर पर नहीं बल्कि को पेरेंट्स के तौर पर अपनी लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। हमने कुछ समय पहले ही अलग होने का फैसला लिया है और इन चीजों को आपके साथ साझा करते हुए सहज समूह कर रहे हैं। अलग अलग होने के बावजूद अपने जीवन को एक परिवार की तरह साझा करते हैं। इस बयान में आगे लिखा गया है, हम अपने बेटे आजाद के प्रति समर्पित माता पिता हैं, जिसकी परवरिश हम साथ साथ करेंगे। हम फिल्मों, पानी फाउंडेशन और बाकी प्रोजेक्ट्स पर भी साथ काम करते रहेंगे। हमारे रिश्ते में निरंतर सपोर्ट करने और समझाने के लिए हमारे परिवार और दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके बिना इस लीप को लेने में इतने सुरक्षित नहीं होते। हम अपने शुभचिंतकों से भी शुभकामनाओं और आशीर्वाद के लिए अनुरोध करते हैं और आशा करते हैं कि हमारी तरह आप इस तलाक को अंत के रूप में नहीं बल्कि एक नई जर्नी की शुरुआत के रूप में देखें। धन्यवाद और प्यार, किरण और आमिर। इनके डिवोर्स के बाद इनकी बेटी ने भी अपनी वीडियो जारी की है और उस वीडियो में उनकी बेटी काफी उदास दिखाई देती है। देखिए इस वीडियो में उनकी बेटी क्या कुछ कहती नजर आ रही है। इस वीडियो में लोगों को उनकी बेटी बताती है कि वो डिप्रेशन से गुजर रही है। इसके बाद जब लोगों ने कमेंट करके उनको काम में बिजी रहने के लिए कहा तो उनकी बेटी ने कहा कि उनके डॉक्टर और उनके पेरेंट्स ने कहा है कि वो खुद को बिजी ना रखें बल्कि खुद को टाइम दें। हेलो, मैं अभी अलग वीडियो बना रही हूँ इंग्लिश और हिंदी में, पर मैं बात सेम चीज़ का कर रही हूँ क्योंकि मुझे डबिंग अजीब लगता है। तो मेरे जोक्स थोड़े शायद अलग होंगे, पर मैं वैसे भी ज़्यादा जोक नहीं करती। ये वीडियो में मुझे ऐसी चीज़ पे बात करनी है जो मेरे लिस्ट पे भी थी वीडियो बनाने के लिए, पर जो कमेंट्स मुझे मिले मेरे फर्स्ट वीडियो से उसमें से भी बहुत सारे कमेंट्स ने वो चीज़ें के बारे में बात किया। तो ज़्यादातर लोगों ने मुझे कहा कि आपको बिज़ी रहना चाहिए, आपको वर्कआउट करना चाहिए, आपको अच्छे चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, पॉजिटिवली सोचना चाहिए। अगर आप ये YouTube पे देख रहे हो तो 2 मिनट जाके मेरे Instagram पे चेक करना कि मेरे दोस्तों क्या कह रहे हैं मेरे बारे में इस वीडियो के इंग्लिश वर्जन पे। कि मैं अपने आप को कितना बिजी रखती थी और मैं कितना वर्कआउट करती थी, क्योंकि अगर मैं बताना शुरू करूँ तो मैं सिर्फ उसके बारे में बात करूँगी। जो चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ ये है कि मैंने एटलीस्ट 4 डॉक्टर के पास में गई और मेरे सारे डॉक्टर्स और मेरे माँ बाप सब लोगों ने मुझे एक चीज़ कही कि मुझे अपने आप को बिजी रखना बंद करना चाहिए। मुझे बस जस्ट स्टॉप, मुझे इतनी सारी चीज़ें करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक चीज़ से दूसरी चीज़ से दूसरी चीज़ एक ही बार लिख कर देती हूँ। आज के हमारे इस खास कार्यक्रम बॉलीवुड तड़का में बस इतना ही। बाकी खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।